हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिस क्लासेस। टुडे आई विल डिस्कस द प्योर एंड मिक्स सब्सटेंस चैप्टर नंबर 4 विच इज़ द केमिस्ट्री। ओके, इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट टुडे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सो इससे पहले के वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ मिक्सचर को पढ़ चुके थे और कंक्लूजन क्या निकला था कि जब हम किसी मिक्सचर में मतलब वाटर के मिक्सचर में मड को मिलाते हैं तो वो हेट्रोजनस मिक्सचर होता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से उसमें डिसॉल्व नहीं होता है और जो डिसॉल्व हो जाएगा वो होमोजेनस मिक्सचर होगा। तो उसके आगे से आज हम लोग डिस्कस करेंगे विच इज़ द टॉपिक ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ने से पहले एक बार ज़रा एक ने जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है उसको ज़रा एक बार रिमेंबर कर लेते हैं, है ना। जैसे प्रीवियस क्लासेस में हम लोग सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन की डिफिनेशन को पढ़ चुके हैं। ये आप लोग क्लास 4 में भी पढ़े थे, 5 में भी पढ़े थे और 6 में पढ़ रहे हो आप। तो सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट जो होता है, एक सॉलिड होता है जो डिसॉल्व होता है सब्सटेंस इन ए सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है? ये लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस को। और सॉल्यूशन क्या होता है? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होते हैं, उनको मिलाया जाता है तो जो सॉल्यूशन मिलता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तीनों डिफिनेशन आप लोग को लर्न होनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो इसे रिमेंबर कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इसे लर्न कर लीजिएगा, ओके। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे विच इज़ द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस कंटेन इम्प्योरिटीज। फॉर एग्जांपल द राइस वी बाई हैज स्टोन सैंड एंड हस्क इन इट। मिल्क मैन यूजली मिक्सड वाटर इन मिल्क। कैरोसिन इज समटाइम मिक्सड विद पेट्रोल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रॉफिट। एयर वी ब्रीद कंटेन केमिकल फ्यूम स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल। Thus, all substances have certain other substances mixed with them which necessities need of the removal. तो बताया जा रहा है कि most of the substances, अधिकतर substances जो हमारे आसपास होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी impurities होती हैं। For example, example के तौर पे अगर हम लोग rice खरीद के लाते हैं, buy करते हैं हम लोग rice दुकानदार से, तो उसमें भी क्या होता है? पत्थर होते हैं, है ना, कंकड़ पत्थर होते हैं, sand होती है, husk होती है, impurity होती है। जैसे हम लोग किसी से मिल्क मैन से दूध लेते हैं तो उस मिल्क में वाटर भी मिला होता है, ये भी क्या है? इम्प्योरिटी है। केरोसिन जो है, केरोसिन का जो ऑयल होता है, तेल जो होता है, तो उसमें कभी कभार उसके लेवल को, प्रॉफिट लेवल को बढ़ाने के लिए उसमें पेट्रोल मिक्स कर दिया जाता है ताकि उनको जो है उसका अच्छा खासा प्रॉफिट मिले, तो ये भी इम्प्योरिटी है। एयर वी ब्रीथ, जो हम लोग सांस लेते हैं एयर, हवा में, उसमें सिर्फ हमारी ऑक्सीजन ही नहीं होती, उसमें और भी केमिकल फ्यूम्स होते हैं जैसे स्मोक होते हैं, डस्ट पार्टिकल हमारे अंदर जाते हैं। ये सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो दूसरे सब्सटेंस का मिक्सचर हैं, इसीलिए हमें इनको यूज़ करने से पहले ज़रूरत होती है रिमूवल की, मतलब जो इम्प्योरिटीज़ है उसको बाहर निकालने की। तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग इम्प्योरिटीज़ को, ये हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में, ओके। सो व्हाई कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर आर टू बी सेपरेटेड, इट डिपेंड्स ऑन नीड एंड अदर रीज़न। अ फ्यू रीज़न आर एज फॉलोज। तो कहा जा रहा है कि क्यों किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्सचर को सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भाई उसमें इम्प्योरिटीज़ है तो जाहिर सी बात है हम उसको सेपरेट करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन नीड एंड अदर रीज़न, ये डिपेंड्स होता है हमारी ज़रूरत के अनुसार और कोई रीज़न भी हो सकता है। तो बहुत सारे रीज़न कौन कौन से हैं, इसमें से कुछ रीज़न को हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है रिमूव अनडिज़ायरेबल मटेरियल फ्रॉम डिज़ायरेबल मटेरियल। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो लोग को हमें जो मटेरियल चाहिए हम उसको अलग कर लेंगे और जो नहीं चाहिए उसको बाहर फेंक देंगे। जैसे दालें, जब हम दाल चुनते हैं, ठीक है, दाल को जब पल्सेस को हम लोग क्या करते हैं, चुनते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से जो पत्थर कंकड़ होते हैं वो हम निकाल देते हैं क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए, हमें दाल चाहिए सिर्फ, तो हम लोग उसको ले लेते हैं। फिर है सेकेंड, रिमूवल ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द प्योर सब्सटेंस। किसी भी इम्प्योर सब्सटेंस से प्योर सब्सटेंस को पाना, कैसे? स्ट्रॉ फ्रॉम मिल्क, जैसे हम स्ट्रॉ से क्या करते हैं, मिल्क को खींच लेते हैं। फिर है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस, एग्जाम्पल वाटर फ्रॉम मिल्क। क्वालिटी जो होती है उसको इम्प्रूव करना, जैसे वाटर फ्रॉम मिल्क, ठीक है, मिल्क से वाटर को हटाना। तो इस तरीके की इम्प्योरिटीज़ को हम लोग, ये सब रीज़न हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं। फिर है हमारा मिक्सचर ऑफ डेली यूज़। हमारे जो मिक्सचर डेली यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें टाइप ऑफ मिक्सचर दिया है और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर दिया है। तो सबसे पहला है हमारा सॉयल।
सॉइल जो होता है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर क्या होगा, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ ए क्ले। सॉइल में क्या मिला होता है, क्ले मिला होता है, सैंड मिला होता है और बहुत से टाइप के सॉल्ट मिले होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम लोग पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिक्सचर होता है वाटर का, शुगर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, फ्लेवर एंड कलर का, कलर्स का। सी वाटर जो हम लोग देखते हैं, सी वाटर में मिक्सचर होता है सॉल्ट का जो डिज़ोल्व होता है वाटर में। मिल्क जो होता है उसमें मिक्सचर होता है कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का, प्रोटीन का, मिनरल्स का वाटर में। ठीक है, स्मोक जो होता है, स्मोक इज़ ए मिक्सचर ऑफ कार्बन पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर। तो ये सारे क्या थे, टाइप ऑफ मिक्सचर थे और उनमें कौन कौन से मिक्सचर मिले हुए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्सचर मिले हुए थे ये बताया मैंने। तो अब हम लोग जो हैं वो पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन मिक्सचर, हम किसी भी किस मेथड से मिक्सचर जो है उसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी उसकी इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है अ मेथड टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम सॉलिड मिक्सचर। हम लोग पहला वाला मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग सेपरेशन करेंगे सॉलिड से सॉलिड मिक्सचर का। ठीक है, यहाँ पर हम लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही गैसेस बात कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ सेपरेशन होगा सॉलिड से सॉलिड का, यानी सॉलिड से सॉलिड मिक्सचर का। ओके, तो सबसे पहला प्रोसेस इसमें आता है विनोविंग। सॉरी, विनोविंग का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें जो किसान लोग होते हैं, जो फार्मर होते हैं, वो क्या होते हैं, इम्प्योरिटी अलग करते हैं ग्रेन्स में से, अनाज में से। तो किस तरीके से अलग करते हैं, चलिए देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क। ठीक है, ये क्या प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिसमें किसान जो होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो सेपरेट करते हैं ग्रेन को फ्रॉम हस्क, मतलब जो इम्प्योरिटीज़ होती है, गंदगी होती है उससे, अदर कोटिंग ऑफ ग्रेन, जो कोटिंग होती है ग्रेन में, मतलब जो लगी हुई धूल गर्दा वगैरह हो गई, डस्ट वगैरह हो गई। तो कैसे अलग होती है, चलिए देखते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है कि विनोविंग इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ग्रेन इज़ हैवियर देन हस्क। विनोविंग जो है इस फैक्ट पर काम करता है कि जो ग्रेन होती हैं, जो हस्क, उसमें अगर गंदगी मिली होगी तो वो और भारी हो जाएगा, धूल कंकड़ मिले होंगे तो वो और भारी बना देंगे। तो किस तरीके से मेथड से हम लोग इसको अलग करते हैं, तो मिक्सचर ऑफ वीट एंड हस्क इज मेड ऑफ फॉल फ्रॉम ए हाइट। तो जो वीट, मतलब गेहूं का उदाहरण लिया है यहाँ पे, जो वीट होता है उसमें से अगर हम हस्क से मिला हुआ है तो हमें उसे क्या करना होगा, हमें बहुत ऊंची जगह पे खड़ा होकर, कहीं ऊंची सी जगह पे खड़ा होकर उसको नीचे गिराना होगा। विंड कैरीज द हस्क विद इट। विंड जो है, जो हवा चलेगी तो हवा की वजह से जो हस्क है वो नीचे इधर अलग हो जाएगा एंड जो हमारा ग्रेन है वो सेपरेट हो जाएगा। किस तरीके से, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर में दिखाया गया है, सेपरेटिंग काफ ऑफ हस्क फ्रॉम वीट ग्रेन। कैसे वीट ग्रेन से हस्क को अलग किया जा रहा है एंड ग्रेन्स अलग जा रहा, गिर रहा है। यहाँ पर जो गंदगी है वो अलग गिर रही है, झड़ रही है, और यहाँ पर ग्रेन्स है वो अलग यहाँ पे गिर रहा है। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं विनोविंग मेथड। ओके, सेकेंड मेथड है हमारा हैंड पीकिंग मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स आर रिमूवल फ्रॉम डिज़ायर कंपोनेंट मैनुअली। इस प्रोसेस में अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट को हम लोग रिमूव करते हैं डिज़ायर कंपोनेंट में से मैनुअली। इसका प्रिंसिपल है जो बेस्ड होता है डैट वन कंपोनेंट्स डिफर इन शेप, साइज और कलर। इनका जो कंपोनेंट्स होता है वो डिफर होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है, इनका शेप डिफरेंट होता है, साइज डिफरेंट होता है एंड कलर भी जो क्या होता है, डिफरेंट होता है। मेथड क्या है, दिस इज़ अ मेथड इज़ यूज ओनली वन एनी वन कंपोनेंट्स इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वान्टिटीज डिफर इन कलर शेप और साइज सो डैट कैन बी पिक्ड अप मैनुअली। एग्जाम्पल स्टोन इन पल्सेस। तो बताया जा रहा है कि इस मेथड में यूजली हम जो हैं ऐसे कंपोनेंट को, ऐसे स्मॉल क्वांटिटी के कंपोनेंट को अलग करते हैं जिनका शेप और कलर जो है वो डिफर होता है जो हमें लेना है उससे। जैसे कि दालें जब हम चुनते हैं या चावल चुनते हैं तो क्या होता है कि उसमें बहुत सारे जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है या किसी और कलर का भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम निकाल के अलग कर देते हैं। तो इस तरीके से हैंड पिकिंग का मेथड देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, फिर तीसरा है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। किस तरीके से मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, दिस इज़ ऑल्सो अ मेथड ऑफ एम्प्लॉयड टू सेपरेट द मैग्नेटिक सबस्टेंस फ्रॉम द मिक्सचर। इसमें हम क्या करते हैं, किसी मिक्सचर को क्या करते हैं कि मैग्नेटिक सबस्टेंस के थ्रू उसको डिफर करते हैं, मतलब अलग करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक सबस्टेंस टूवर्ड्स इट्स। ये जो हमारा प्रिंसिपल है वो बेस्ड होता है मैग्नेट की प्रॉपर्टी पे, क्योंकि मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है, सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अट्रैक्शन, मतलब अपने जैसे किसी पार्ट को क्या होता है वो अट्रैक्ट करता है। तो मेथड क्या है, मैग्नेट जो होता है वो पास किया जाता है ओवर द मिक्सचर कंटेनिंग आयरन।
ऐसे मिक्सचर से पास किया जाता है जहाँ पर आयरन होते हैं, क्योंकि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो आयरन के सबस्टेंस को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जितने भी आयरन पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होंगे, मैग्नेट में चिपक जाएंगे और इम्प्योरिटीज़ जो होगी उसे निकल जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आयरन फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फर, आयरन जो होता है का मिक्सचर जिसमें आयरन सल्फर मिला होता है, तो आयरन जो है उसमें चढ़ जाएगा और सल्फर बाहर में रह जाएगा। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पर एक नोट्स पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो मैग्नेट है ऐसा जो शो करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को वर्ली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सीविंग इज अ प्रोसेस इन विच एनी मिक्सचर इज पास थ्रू पोरस मीडियम, द स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर पास थ्रू द सीव्स एंड बिगर कंपोनेंट आर लेफ्ट ऑन द सीव्स। तो सीविंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी मिक्सचर को पास करते हैं पोरस मीडियम में, मतलब छोटे 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 दानेदार जो हम लोग छलनी होती है, पोरस मीडियम को हम लोग छलनी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे मिक्सचर जिसमें पोरस हो, मतलब छोटे छोटे पोर हो, तो स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर पास, उसमें से जो स्मॉलर कंपोनेंट के मिक्सचर होंगे वो पास हो जाएंगे ईजली, और जो बड़े बड़े कंपोनेंट होंगे वो उसी पोर्स में या उसी छलनी में रह जाएंगे। तो दिस इज़ अ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द फिल्ट्रेशन, इसमें हम फिल्ट्रेशन का एक प्रोसेस करते हैं। इस मेथड में क्या होता है, द मिक्सचर इज टेकन आउट द सीव एंड गिवन मैकेनिकल फोर्स, द स्मॉलर कंपोनेंट पास थ्रू द सीव एंड बिगर कंपोनेंट्स आर लेफ्ट। इसमें हम किसी मिक्सचर को क्या करते हैं, बहुत सारे मैकेनिकल फोर्स के थ्रू क्या करते हैं कि एक छलनी लेते हैं, उसमें कंपोनेंट को पास करवाते हैं। तो जो बड़े कंपोनेंट होते हैं वो बाहर ही मतलब उसी छलनी में रह जाते हैं, और जो छोटे कंपोनेंट होते हैं वो आसानी से उसके आर पार चले जाते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लिया गया है टी लीव्स फ्रॉम टी, जो चाय की पत्तियाँ होती हैं हम लोग छन्नी से छान के चाय निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन का वो एग्जांपल लिया गया है। फिर सीविंग ऑफ फ्लोर, जब हम लोग आटे को छानते हैं तो उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो रह जाती है, ठीक है, जो और बाकी सारा चीज़ छन जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन ये 5th प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इंटू वेपर एंड वेपर चेंज डायरेक्टली इंटू सॉलिड। इसमें क्या करते हैं, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें डायरेक्टली जो सॉलिड होगा हमारा वो वेपर में चेंज होगा, और वेपर से वो चेंज होगा डायरेक्टली फिर से सॉलिड में। तो ये प्रिंसिपल जो है वो इम्प्लॉय करता है प्रिंसिपल ऑफ चेंज ऑफ स्टेट बाई स्कीपिंग द इंटरमीडिएट स्टेट। ये जो होती है बीच स्टेट होती है, तो किस तरीके से होती है अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगी। पहले इसके मेथड को पढ़ लेते हैं। द मिक्सचर इज टेकन इन अ सब्लिमेशन डिस हीटिंग स्ट्रॉन्गली अंटिल द कंपोनेंट गेट्स इवोपरेटेड एंड कंडेंस टू फॉर्म सॉलिड ऑन अपर पार्ट ऑफ द सब्लिमेशन फॉल्स ओवर इन्वर्टेड फनल एंड शो द इन द डायग्राम। तो मिक्सचर में, इसमें हम किसी मिक्सचर को लेते हैं तो वो सब्लिमेटिंग में, तो डिश जो होती है उसको हीट करते, इतना ज़्यादा हीट करते हैं कि वो कंपोनेंट क्या हो, इवोपरेट करने लगे, मतलब उसमें से हल्का हल्का क्या लगे, धुआं निकले, इवोपरेशन होने लगे। एंड कंडेंस करते हैं फिर उसको फॉर्म सॉलिड, एंड अपर पार्ट जो होता है सब्लिमेटिंग फ्लास्क का उसको हम क्या कर देते हैं, उसमें कुछ लगा देते हैं, कट लगा देते ताकि वो इवोपरेशन जो है वो अगर धुआं बन के उड़ जाएगा तो हमारा फिर सॉलिड बचेगा कहाँ, नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिया गया, एक फनल लिया गया, उसको पोर डिस्क में रखा गया, फिर पोर प्लेट में रखा गया, और उसको यहाँ पर करके क्या किया है, थोड़ा हीट किया गया। तो अब हीट के बारे इसमें क्या क्या मिक्सचर लिया गया देखते हैं। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, दो मिक्सचर लिए गए हैं, अमोनियम ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। यहाँ चाइना डिश ली हुई है, यहाँ सैंड बाथ है, और इन्वर्टेड फनल है यहाँ पर, ठीक है। इन्वर्टेड फनल मतलब इसमें से देखिए नीचे से ये क्या है, खुला हुआ है, और ऊपर से यहाँ पर इसमें कॉटन प्लग लगाया गया है ताकि वो इवोपरेशन बाहर ना जाए। तो ये सब्लिमेटिंग अमोनिया क्लोराइड है, इन्वर्टेड फनल है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये सेपरेट होता है मिक्सचर सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट जो होता है वो ठंडा होकर क्या बनता है, फिर से वापस आ जाता है, मतलब ये सॉलिड अलग हो जाता है, पहले ये एक में था फिर बाद में इसे अलग कर दिया जाता है। तो ये थे प्रोसेस सॉलिड को सॉलिड में चेंज करने के। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या प्लीज़ आपके लिए ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो आने वाली वीडियो पर उसका यूज़ मिल जाए।